हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज करने वाले हैं दिवाली स्पेशल फोटोशूट। काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोज हम क्लिक करने वाले हैं। आप पीछे देख सकते हो बहुत ही मस्त डेकोरेशन हो रखी है घर पे भी, एंड हर जगह में बहुत सारी मस्त डेकोरेशन हो रखी है। तो इनका यूज करके कैसे हम फोटोज क्लिक कर सकते हैं, प्लस आपको और भी कुछ बहुत ही कमाल के क्रिएटिव आइडियाज बताऊंगा दिवाली के लिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इसे लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने ना दिवाली की डेकोरेशन जो कर रखी है, बहुत सारी लड़ियाँ लगा रखी है, तो इनको देख के मुझे एक बहुत ही मस्त आइडिया आ रहा है। मतलब अगर हम ऐसे इस तरह से ऐसे देखें और यहाँ साइड से कैमरा हो कहीं से, तो बहुत अच्छी फोटो आती है। लेकिन दिक्कत एक ही है कि इतनी ज़्यादा लड़ियाँ नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हम बड़ा लेंस यूज़ करें 135mm, क्योंकि उससे बहुत ही मस्त बोके दिखेगा। अगर हम कोई वाइड एंगल लगाएंगे तो उतनी अच्छी फोटो नहीं आ पाएगी, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे। और इसके साथ में दो और पोजेस आ रहे हैं, मतलब एक हम टॉप एंगल से फोटो ले सकते हैं ऐसे करके कुछ ऐसे करके, एंड सिमिलरली एक हम नीचे से ले सकते हैं, तो पूरे घर की ऐसी डेकोरेशन दिख जाएगी। तो ये वाले आइडिया अपने घर पे आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लड़ियां तो सब लगाती हैं घर पे। तो भाई ये काम करते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं एंड ऊपर से फोटो क्लिक करेंगे ऐसे वाली। और हमने टेस्ट कर लिया यहाँ पे ना, 85mm की लेंथ बेस्ट रहेगी, 85 वाला लेंस मेरे पास 1.8, तो वो ट्राई करेंगे। तो एक काम करो भाई, तुम जाओ ऊपर कैमरा लेके, ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। सो भाई ठीक है, ये ऐसा व्यू सही आएगा यहाँ से। सुख दिमाग तो पहुँचा ही नहीं भाई, ऊपर कहाँ गया, आ रहा है भाई व्यू यहाँ। सेंटर में आ जाओ, सेंटर में, सेंटर में आके ना सीधा ऊपर देखना। तो मेरी तो आ गई मस्त फोटो, आप खींचते हैं सुखदमान की फोटो। भाई बहुत रिस्की है यहाँ से फोटो खींचना, ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा नीचे, ठीक है भाई। ऐसे रहना भाई एक बार, ठीक है, अरे ऐसे रहना, ऐसी ज़्यादा अच्छी लग रही है जो, मतलब ऐसे कर रहे हैं पूरा हाथ, ठीक है, आगे मतलब ऐसा कि स्टार्टिंग और एंड दोनों दिखे फोटो का। कैमरा गिर गया तो कोई नहीं, कैमरा नहीं गिरना चाहिए भाई, तुम चाहे गिर जाओ। वाली फोटो तो बहुत सेक्सी आ रही है। एक और जो हमारे पास आइडिया था सेकंड, वो हम नीचे वाली बालकनी में करेंगे, क्योंकि ये वाली यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन नीचे की बालकनी पूरी हमारी ऐसी लंबी सी है, तो इधर से फोटो क्लिक करेंगे तो उधर अगर हम पोज करेंगे तो फोटो अच्छी आ सकती है। तो चलो भाई नीचे चलते हैं, आ जाओ। चलो भाई ट्राई करते हैं, पहले सुखदमान तुम वहाँ पे खड़े जाओगे, ठीक है, मैं यहाँ से ट्राई करूँगा सारे को फ्रेम करने। इस पर आ जाओ जहाँ पे ये वाली लाइट एंड हो रही है ना। हाँ, ऐसे रहना भैया, ऐसी ऐसी। टू मच हंसी, ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फोटो ब्रो। चलो चलो, यही नहीं यार, मेरी तो इतनी अच्छी फोटो आ रही है, मेरी तो बनती है एक फोटो। अब ऐसे हुआ मैं तो, हाँ नहीं नहीं हाथ से मत उठाओ भाई, कैमरा उसके पास ले, ऊपर से लो थोड़ी, कैमरा ऊपर ले जाओ थोड़ा सा। ये थे हमारे दो तीन आइडिया जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा लास्ट वाला, तो अभी आउटडोर जाके बाहर हम कुछ क्लिक करेंगे फोटोज मार्केट में। हमारे पास एक बहुत ही क्रेजी आइडिया, मतलब हमने कुछ बहुत ही फनी सा सोचा, एक बोर्ड पे कुछ लिखेंगे, अभी दिखाता हूँ सारा प्रोसेस कैसे हमें सब कुछ तैयार कर रहे हैं, तो वो आ जाओ। तो भाई जैसे आपको पता है सब लोग ना बिल्कुल दुखी रहते हैं इस चीज़ की, हर कोई ना दिवाली में सोन पापड़ी देता, ठीक है, जैसे सुखदमान मेरे सोन पापड़ी लेके आया, तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। तो आइडिया क्या है, बेसिकली हमारे पास एक पुराना कार्डबोर्ड चाहिए, इसको ना इतना कट कर देंगे, कट कर देता हूँ एक्चुअली। सो भाई देखो ये हमारे पास एक बोर्ड है,
इसके बारे में क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले भाई? प्लीज डोंट गिफ्ट सोन पापड़ी ऑन मार्केट में हम पूरे रश में जाके ऐसे ठीक है तो ये आइडिया यार इस सुखदिमान का ही था। अगर फोटो बढ़िया नहीं है तो इसको गालियां भागना कमेंट में, ठीक है? तो आइडिया क्या है, हम बीच इस पर लिखेंगे, बीच मार्केट में जाएंगे और ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे। इसके लिए भाई गट्स चाहिए। पहले तुम खींचोगे ना, क्या लिखना है इस पर? से नो टू प्लीज दिस दिवाली, से नो टू सोन पापड़ी, ठीक है? चलिए भाई देखो, मैंने बहुत टाइम लगा के ये पूरा डिज़ाइन कर दिया, दिस दिवाली से नो टू सोन पापड़ी। अब बस हमें रोड पे ऐसे खड़ा होना भाई। भाई देखो रोड कोई ऐसा चूज़ करेंगे जो आसपास जहाँ पे मेरे को जानता ना हो, ठीक है? थोड़ा दूर चलेंगे मतलब। और मतलब गाइस एक आपको टिप दे देते हैं कि किसी हलवाई की शॉप के बाहर तो मत ही करना है। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन ढूंढने जहाँ पे थोड़ा भीड़ भड़ा का एरिया है, तो थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस हो रही है, लोग क्या बोलेंगे हमें भाई। ये है सबसे क्राउड वाला एरिया, यहाँ पे देखो भीड़ एक बार देखो आप यार, यहाँ कैसे करेंगे भाई? सुख भाई तुम करोगे पहले, ठीक है? यहाँ पे लाइट तो बहुत मस्त है लेकिन भीड़ भी इतनी ज्यादा है ना भाई। भाई गाड़ी कहाँ लगाएंगे, मैंने जगह ही नहीं है। चलो भाई रेडियो भाई ले आए ना बोर्ड, तो बोर्ड सब कुछ है भाई, सब कुछ भाई। तो भाई देखो फाइनली ये वाला स्पॉट हमने चूज़ किया, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, हमें डर लग रहा है यहाँ पे। सुखदीमान थोड़ा सा नर्वस होता हुआ भाई, एक काम करना वहाँ सेंटर में जाना तुम, ठीक है? तुमने बस दो सेकंड लिए उठा देना, मैं खींच लूँगा तुम्हें, ठीक है? दो सेकंड ही हाँ, कम से कम 30 सेकंड, ठीक है यार? ये तो पूरा जलील करा रहे हैं इसको। जाओ भाई जाओ भाई, दिल धक धक हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, जल्दी जाओ। भैया सही है ना? थोड़ा डेयरिंग कर दूँ और करवा जाओ। नहीं भाई मैं नहीं कर रहा हूँ डेयरिंग। अरे मजा आ गया ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है भाई। सब लोग देखेंगे नहीं यहाँ पर भाई, जब वाइट एक्टिवा खड़ी ना वहाँ पे बेस्ट है। इधर क्या तुम लोग इसने देख तो लिया, क्या दिक्कत है? जितना वेट करो ना उतना नर्वस हो गया। और चलो कर लो, उठा दो बस। ब्रो देखने कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस 20 सेकंड ही। चलो ठीक है जाओ वहीं आ जाओ। तुम ना भाई एक काम करना, तुम ना ऐसी मतलब तुम अपना कैमरा रेडी रखना, मैं कभी उठा सकता हूँ, ठीक है? भाई फाइनली बड़ी हिम्मत से हमारी फोटो मस्त आ चुकी है। बाकी आप बताना कैसी थी? अभी ट्राई करते हैं रॉकेट वाली फोटो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मस्त लोकेशन है, खाली जगह है, तो यहाँ पर हमारी अच्छी फोटो आती है रॉकेट वाली। सो लेट्स गो भाई। रॉकेट के साथ शूट करने तो आगे, लेकिन हमारे पास रॉकेट नहीं है। हमने एक बोतल तो ले ली घर से, लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट जाकर थोड़ा सा रॉकेट लेंगे। एंड फिर देखो ये खाली सा बिल्कुल एरिया है, मतलब यहाँ पे किसी को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल खाली। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी, तो हमें आइडिया आया कि ना यहीं पे हम गाड़ी के साथ ही मतलब यहाँ पे रॉकेट जलाने वाला सीन करें। मतलब हम एक्चुअली जलाएंगे नहीं, बट ऐसे बस एक्टिंग करेंगे, रॉकेट हम जला रहे हैं, ठीक है? मतलब हमें मिल चुका हमारा रॉकेट, हमने एक छोटा रॉकेट लिया, एक बड़ा रॉकेट लिया। बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, मतलब हम वैसे लेने हम छोटा गए थे, पर बड़ा हमने मतलब दुकान वाले की मतलब थोड़ा सा इज्जत दो ले लिए। चलो भाई, तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि मस्त सोसाइटीज़ दिख रही है, तो ऐसी फील आई मतलब कि हम अपने घर के आसपास कहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारा घर नहीं है ये, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, खाली ग्राउंड है, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ये भाई हमने इसको रेडी कर दिया भाई, एक फुल जड़ी लो ना, फुल जड़ी चलाएंगे इसको। तो भाई ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा सेटअप कर दिया है। मैं थोड़ा सा दूर से फोटो क्लिक करूँगा, 135 लगा रहा हूँ ताकि डेप्थ मिल जाए बढ़िया सी। ऐसी फोटो ना मैं पहले बहुत पहले मैनिपुलेशन किया करता था, लेकिन इस बार मैं सोचूंगा हम इसको क्लिक ही करेंगे, क्लिक करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ऐसा खाली बैकग्राउंड हमने ढूंढ लिया और बस यहाँ पे अपनी फोटो क्लिक करेंगे। भाई देखो हमारे लाइटिंग का दिक्कत हो रहा है यार, फ्लैश बहुत सस्ती सी है, मतलब अभी तक मैं ये यूज़ कर रहा हूँ यार, 2000 रुपये वाली फ्लैश अपग्रेड करनी है भाई, बाकी सब हो गया। तो हमारा शूट खत्म हो ही गया था, लेकिन लास्ट जो हमारा आइडिया बचा वो अभी बहुत कमाल का है। हमने क्या सोचा ना, यहाँ पे जो बैकग्राउंड में लाइट्स है तो हम कुछ इस्तेमाल करेंगे अपनी गाड़ी का, गाड़ी के अंदर बहुत सारे हमने गिफ्ट्स रखे हुए हैं, मतलब अभी रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब कुछ ऐसा एक्ट करेंगे, हम किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं दिवाली के टाइम, क्योंकि दिवाली के टाइम पर हर कोई गिफ्ट देता है। तो इस बार हमने सोचा कि ना कुछ रिलेटेबल सी फोटो क्लिक की जाए, तो बस हम गाड़ी से कुछ अपने गिफ्ट्स निकाल रहे होंगे ऐसे डिक्की खोल के, एंड बैकग्राउंड में ये जो लाइट्स है ये दिखेंगी, जो कि काफ़ी सही लगेंगी। अभी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, फोटो बहुत मस्त आएगी देखना भी, ठीक है? तो हमने घर से ऐसा सामान लेके आ रखे हैं बहुत सारा, जो कि मतलब एज ए गिफ्ट के तौर पर हम यहाँ पर रखेंगे, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, बस दिखाने के लिए, ठीक है? जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का एक डब्बा था, ये रख लेंगे, ठीक है? बाकी ये खाली मान्यवर का डब्बा ही रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई? भाई ये बिल्कुल सेटअप हो जाओ, मतलब ऐसा लग रहा है हाँ भाई गिफ्ट विफ्ट देने के लिए कहीं पर तैयार हो रखे हैं। नींद आने लगी है, 10:30 हो चुके हैं, घर से ही फोन आ चुका है कि कहाँ भटक रहा है।
चलो भाई मेरी क्लिक करो यार, रैन तुम्हारी नहीं आ रही, बढ़िया मेरी बारी मतलब आ गई है लेकिन उतनी अच्छी नहीं, जो मैं चाह रहा था वो नहीं आ पा रहा यार, सही बताऊँ तो। ठीक है भाई दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार मेरी बारी। देखो ये लास्ट फोटो हमने क्या किया ना, हमने एक ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया जहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइट्स आ रही हो, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग की एक साथ लाइट आ रही हो, एंड वो लाइट की रिफ्लेक्शन हमारी गाड़ी पे पड़ रही थी। अब इसकी वजह से हमारी गाड़ी का जो फ्रंट वाला शीशा था उस पर बहुत अच्छी लाइट्स पड़ रही थी। फिर हमने फोटो को गाड़ी के बाहर से क्लिक किया शीशे के थ्रू, एंड शीशे पर जो रिफ्लेक्शन थी उसको हमने यूज़ किया बोके की तरह, एंड हमने फोकसिंग मैनुअल करी, एंड फोटो लिटरली बहुत ही अच्छी आई थी। भाई ये वाले शॉट सबसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उन्होंने बहुत कम मेहनत की इसमें, मतलब बाकी शॉट में बहुत टाइम लगाया ना भाई, ये बस हमने गाड़ी यहाँ पे लगाई रैंडमली, वैसे आइडिया लिया हमने, और भाई क्या ही फोटो आ रही है, मतलब डैम ऐसी मुझे मतलब वाइब आ रही है पूरी, फेस्टिवल टाइम पे कोई कहीं जा रहा है ट्रैवल कर रहा है और गाड़ी के अंदर मतलब शीशा दिख रहा है, भाई मज़ा आ गया भाई। आ जाओ भाई एक बार आपको ना दिखाता हूँ हमने क्या जुगाड़ कर रखा है, ठीक है ये देखो मैंने क्या कर रखा है ना, अपनी एक LED लाइट यहाँ पर लगा रखी है ताकि मुंह के ऊपर अच्छी खासी लाइट आए, क्योंकि ये लाइट का तो खास असर दिखेगा इसमें, तो ये लाइट यहाँ पर लगा रखी है और बस हम ऐसे कुछ पोज कर रहे हैं सामने से। ये थे हमारी लास्ट फोटो जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, एंड यहाँ पर हमारा शूट होता है कंप्लीट, क्योंकि यार 11 बज चुके हैं घर से लगातार फोन आ रहे हैं, एंड अभी हम पैकअप करते हैं, काफ़ी सारी फोटो हमारी आ चुकी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटो, आपको फोटो कौन सी बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर से बताना, एंड आप कौन सी ट्राई करने वाले वो भी बताना, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, हैप्पी दिवाली।